देश की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची मीनार है। अपनी खूबसूरती और अपनी भव्यता के लिए ये मशहूर है और इसी वजह से, इसके अट्रैक्शन की वजह से यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहरों की लिस्ट में शामिल किया है और पूरी दुनिया से हजारों पर्यटक इसको देखने के लिए हर साल आते हैं। तो आज मैं आ चुकी हूँ इसी खास जगह पर, इसके तमाम फैक्ट्स आपको बताऊंगी, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ मैं आपको दूंगी और साथ ही इससे जुड़े हुए कई ऐसे विवाद हैं जिनको लेकर समय समय पर इतिहासकारों में भी बहस होती रही है। ग्राउंड जीरो से हम उन रियल फैक्ट्स के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर इसकी सैर करते हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, लेट्स गो। चाहते हैं मेरी कुतुब मीनार सी ऊंची, जो खंडहर भी हो जाऊं तो खास रहूंगी। खामोश खड़ी हूं सुकून की तलाश में, सुनहरे लफ्जों में लिखी इतिहास रहूंगी। दोस्तों, आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको कराऊंगी कुतुब मीनार के हर हिस्से की सैर। जानेंगे कि किस मकसद से बनवाई गई थी एशिया की ये सबसे ऊंची मीनार। ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर नहीं होगा यकीन। साथ ही हम करेंगे पड़ताल कुछ ऐसे फैक्ट्स की जिन्हें लेकर इतिहासकारों में हमेशा से विवाद रहा है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताती हूँ कुतुब मीनार है क्या, इसकी खासियत क्या है और क्यों इसे देखने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। इस मीनार का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में किया गया। इसमें 5 मंजिल हैं और पांचों के सामने बालकनी बनी हुई है। सबसे खास बात इसके बारे में ये है कि इन सभी 5 मंजिलों का निर्माण अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग काल में कराया गया। ऊंची ऊंची सी हैं उम्मीदों की मीनारें, लौट आई हैं फिर से जैसे कोचों की रौनकें। बेहतरीन कारीगरी और सुंदर नक्काशी का उदाहरण एशिया की ये सबसे ऊंची मीनार देखने वालों को अपना दीवाना बना लेती है और इसे निहारने सैलानी यहाँ बार बार आते हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पर हर साल हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम? समीर आगरिया। कहाँ से आए हैं? गुजरात, भावनगर से। गुजरात से आए हैं? जी। तो कहाँ कहाँ घूमेंगे? सिर्फ कुतुब मीनार देखने आए हैं? दिल्ली घूमे, इंडिया गेट घूमे, सब घूमे। अच्छा, कितने दिन का टूर है? कौन कौन है आप लोग? हम सारे परिवार के साथ आए हैं। अच्छा, और कौन है ये आप लोग साथ में? मेरे भाभी जी है। आइए इधर आइए। ये क्या नाम है आपका? देरैया जिया। क्या नाम है? देरैया जिया। ओके, आप भी साथ में हैं? साथ में आए हैं। ओके, कैसा लगा आपको कुतुब मीनार देख के? बहुत अच्छा। और यहाँ के बारे में कुछ आपने पढ़ा भी है बुक्स में कि क्या है, किसने बनवाया? ज़्यादा नहीं पता, कुछ मम्मी पापा ने यहाँ बताया आपको इसके बारे में? आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? हसीना बी। अच्छा, आप भी आई हैं यहाँ देख के, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, क्या पहले भी आ चुकी हैं या ये फर्स्ट टाइम? पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं, तब तो आपको ये एशिया की सबसे ऊंची मीनार है देख के अच्छा लगा होगा। ओके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा टोटल घूमने का? अच्छा अच्छा रहा। कितने लोग आए हैं आप लोग वहाँ से गुजरात से? 10 लोग आए हैं। कितने दिन घूमेंगे यहाँ? बस आज रात को चले जाएंगे। अच्छा, तो 2-3 दिन हो गए। ओके, तो क्या कुछ इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसके बारे में बहुत सुना हो तो इसलिए उसको सुना है? बहुत इस्लामिक का है, सुना है। ओके, आपका नाम? इकरा चुडेसरा। इकरा, तो इकरा किस क्लास में है? 12th। 12th में है, तो आपने तो इसके बारे में पढ़ा होगा, इसकी हिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ा होगा। तो ये जो छोटे चुन्नू मुन्नू हैं, इन लोगों को भी आपने बताया होगा? अभी तक फोटोग्राफी हो रही है? यस। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इस मीनार में ऊपर तक जाने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। सोच सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है, 73 मीटर इसकी ऊँचाई है।
एशिया की इस सबसे ऊंची मीनार के ऊपर से पूरे दिल्ली शहर का शानदार और भव्य नजारा दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी तरफ इसका एरियल शॉट इतना जबरदस्त और इतना खूबसूरत अट्रैक्टिव नजर आता है कि इसकी तुलना हम किसी भी दूसरे मॉन्यूमेंट से नहीं कर सकते। कुतुब मीनार की इन दीवारों को देखिए, इन पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और यही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है और इसी की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। इसके नामकरण को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, तो वहीं कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जाने माने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर कुतुब मीनार का नामकरण किया गया था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसका निर्माण राजपूत टावरों से प्रेरित होकर बनाया गया है, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये पूरी तरह से एक इंडो इस्लामिक संरचना है। और इसी तरह के तथ्यों को लेकर के अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग समय पर अपनी अलग राय रखते आए हैं और इसको लेकर विवाद भी गहराता रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस मीनार को लेकर हमेशा से विवाद रहा है और इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद क्यों है। दरअसल इस मीनार परिसर में अंदर कई जगह पत्थर के कमल के फूल बने हैं, जिससे ये दावा किया जाता है कि ये एक हिंदू इमारत थी। मध्यकालीन इमारतों में पत्थरों के फूल बनाना एक प्रमुख हिंदू परंपरा रही है। वही टावर पर चित्र वल्लरी पर नमूनों में इनसे मिलावट नजर आती है, जो कि सवाल खड़े करते हैं। इस भवन के निर्माण में नागरी और अरबी लिपि के शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कोणार्क या खजुराहो गए होंगे तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं, कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली होंगी जो कि इससे मिलती जुलती हैं। जो अलग अलग दावे अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा किए गए हैं उसको कहीं ना कहीं इससे बल मिलता है। ये देखिए, ये जो मूर्ति है, भले ही इसका फ्रंट अब आपको ना दिख रहा हो, ये थोड़ा सा टूटा फूटा हो क्योंकि काफ़ी पुराने ये स्ट्रक्चर हैं, इसके बगल में भी ये जो आइडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, इसके आगे तक कुछ ऐसे आइडल्स हैं और पूरी इमारत में ही, इस पूरी ही मीनार के जो परिसर है उसमें ही आपको इस तरह की मूर्तियाँ, इस तरह की संरचनाएँ नज़र आएंगी। शायद यही वजह है कि भटनागर जैसे कुछ हिस्टोरियंस या इस तरह के और भी कुछ हिस्टोरियंस इनको लेकर कुछ लिखित दस्तावेज या प्रमाणों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि शायद ये भी बहुत पुराना है, जितना कि इस मीनार को बताया जाता है उससे भी कहीं पुराना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक या उस तरह के जो अलग अलग शासकों की हम बात करते हैं, सिर्फ उनके द्वारा ही नहीं बल्कि उसके पहले के भी कुछ हिंदू शासकों द्वारा इसका निर्माण किया हो सकता है। ये बुद्ध की प्रतिमा से काफ़ी मिलता जुलता है, आप भी अगर इसको देख पा रहे होंगे तो ये बुद्ध की प्रतिमा से बिल्कुल उसी तरह से बैठी हुई ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है और इसको देखकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये बुद्ध की प्रतिमा या उस तरह की जो प्रतिमा, उस तरह के जो आइडल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वैसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकता। बहुत बार लोग आते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे ही प्रेमिसेस में आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, इस तरह के स्ट्रक्चर, चाहे वो कमल के फूल हों, बुद्ध की प्रतिमा हो, नाचती हुई महिला की जो तस्वीर हो, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे कि उन दावों को बल ज़रूर मिलता है जो कि कुछ हिस्टोरियंस कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये पूरी तरह से एक इंडो इस्लामिक संरचना नहीं है बल्कि काफ़ी पुरानी हिंदू मंदिर या वेदशाला या इस तरह की कोई संरचना, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है। इतिहास में मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसके बारे में MS भटनागर ने दो लेख लिखे हैं, जिसमें इसकी उत्पत्ति, नामकरण और इतिहास की पूरी जानकारी दी है।
चलिए अब बात करते हैं कि इस कुतुब मीनार को बनाने का मकसद क्या था। कुतुब मीनार का अर्थ खगोलीय स्तंभ या टावर होता है। तो क्या ये एक खगोलीय टावर है जिसका निर्माण खगोल शास्त्र की स्टडी के लिए किया गया था, या ये कोई विजय स्तंभ है जिसका निर्माण युद्ध में जीत के बाद किया गया था, या इसे अजान के लिए लोगों को बुलाने के मकसद से बनवाया गया था? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। खगोलीय वेधशाला का निगरानी टावर, कुछ इतिहासकार इसे यही मानते हैं। कुतुब मीनार को बनाने का मकसद क्या था, इसको लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग राय है। कुछ का ये कहना है कि ये एक अजान के लिए बनाई गई ऐसी जगह थी जिसमें कि ऊपर चढ़ के कोई शख्स नीचे लोगों को ये आगाह करता था, बताता था कि अजान का वक्त हो गया है। लेकिन अजान दिन में 5 बार होता है और इसकी जितनी सीढ़ियां हैं उनको ऊपर तक चढ़ने में एक बार में 45 मिनट्स का वक्त लगता है। तो क्या ये संभव है कि अलग अलग 5 बार 45 मिनट का हर बार वक्त ले करके कोई शख्स ऊपर चढ़े और नीचे उतरे? और क्या ये संभव है कि ऊपर चढ़कर नीचे आवाज़ देने पर कोई सुन सके, आपको समझ सके आपकी आवाज़ को कि आप क्या कह रहे हैं? यानी कि इतने ऊंचे टावर से, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा टावर या एशिया की सबसे ऊंची मीनार कही जा सकती है, तो इतने ऊंचे टावर से आवाज़ देने पर क्या नीचे किसी को भी ये आवाज़ सुनाई देती होगी? मुझे लगता है ये संभव नहीं है। और इसी को आधार बनाकर हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अजान देकर लोगों को बताने की अजान का वक्त हो गया है, ये बताने के लिए इस टावर का निर्माण तो नहीं किया गया था। दूसरी तरफ ये दावा है कि ये एक विजय स्तंभ है। तो उस समय कौन सी ऐसी लड़ाई हुई थी जिसको जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक या दूसरे शासकों ने इसके निर्माण की शुरुआत कराई होगी? इसको लेकर भी हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। सिर्फ 4 साल का शासन, उसमें ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं थी जिसको जीतने के बाद ये विजय स्तंभ बनाया गया। तो इस तरह से इन दोनों ही दावों में कुछ ना कुछ कमियां नजर आती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये दावा कि ये एक खगोलीय टावर है, वॉच टावर है जिसका निर्माण किया गया था, इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन ये अभी भी विवाद का विषय है। वहीं इसे लेकर एक और दावा प्रचलित रहा है जो कि विक्रमादित्य के काल से संबंधित है, और इस दावे की सपोर्ट में भी कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। कुतुब मीनार मेहरौली क्षेत्र में है, जो बस्ती है ये दिल्ली की मेहरौली है। इसको एक संस्कृत शब्द कहा गया है, मिहिर अवेली, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे। और कहा जाता है कि विक्रमादित्य के एक दरबारी थे मिहिर, उन्हीं के नाम पर मेहरौली जो शब्द है वो पड़ा और इस क्षेत्र का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। और वो एक जाने माने खगोलज्ञ थे और उन्होंने ही अपनी स्टडी के लिए, खगोल विद्या के स्टडी के लिए इस वॉच टावर का निर्माण कराया था जिसको कि कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। इस दावे को तब और बल मिला जब एक मुस्लिम विद्वान सैयद अहमद खान ने लिखा कि ये मीनार एक हिंदू इमारत है। अगर आप टावर के शीर्ष पर एक एरोप्लेन से देखें तो आपको ये एक 24 पंखुड़ी वाले किसी पूरी तरह से खिले कमल की तरह दिखाई देती है। वहीं जाट इतिहास के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक को मीनार तो क्या, अपने लिए महल और किला बनाने तक का समय जाटों ने नहीं दिया। उसने तो सिर्फ 4 साल ही यहाँ शासन किया, जिसमें हमेशा हमलों से परेशान रहा, फिर वो मीनार कब बनवाता? वही एक दावा ये भी किया जाता है कि इस मीनार को सम्राट विक्रमादित्य के कुशल इंजीनियर वराह मिहिर के हाथों 4वीं सदी के 4वें दशक में बनवाया गया था। लेकिन किस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो बस हिस्टोरिकल रिसर्च और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ही पता लगाया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या है। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो चलिए आपको इसकी टाइमिंग बता दूं। ये सप्ताह में हर दिन खुला मिलता है, किसी भी दिन इसका ऑफ नहीं होता, क्लोजिंग डे नहीं है। सुबह के 6 बजे ये खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पहुँचना कैसे है अगर इसकी बात करें तो आप मेट्रो से पहुँचेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगी। इसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन ही है, वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी से आ सकते हैं। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, यहाँ पार्किंग की अच्छी खासी व्यवस्था है और पार्किंग चार्जेस अगर आप कार से आते हैं तो 10 रुपये हर घंटे के हिसाब से लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप बस से भी आ सकते हैं, यहाँ पर बसें भी चलती हैं और बिल्कुल वो कुतुब मीनार के फ्रंट तक आपको लेकर के आती हैं, तो यानी बस से भी आने में कोई समस्या नहीं है।
गवर्नमेंट को यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होती है। जो टिकट प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, 35 रुपीज़ है। और इसके लिए आप दो तरीके से, एक तो बहुत ज़्यादा लाइन है, अगर आप डायरेक्ट आते हैं लाइन में खड़े होते हैं तो 3-4 अलग अलग लाइन है, फॉरेनर्स के लिए अलग लाइन है, इंडियंस के लिए अलग लाइन है। लेकिन आप क्यूआर कोड से भी डायरेक्ट उसको क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। मैंने भी पेटीएम के थ्रू क्यूआर कोड से ही स्कैन किया, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा समय बच जाएगा और उस समय को आप घूमने में, एक्सप्लोर करने में बिता सकते हैं। देश के कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स और धार्मिक स्थल हैं जिनको लेकर सवाल उठते रहे हैं और विवाद भी होते रहे हैं, चाहे बात ताजमहल की हो या लाल किले या फिर विश्वनाथ मंदिर की। बनावट, संरचना, निर्माण काल और बनवाने वालों को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। इनमें कभी कुछ साक्ष्यों का हवाला दिया जाता है तो कभी सिर्फ कपोल कल्पना भी बहस खड़ी कर देती है। लेकिन इन्हें लेकर मैं दो बातें महसूस करती हूँ। पहली ये कि ये सभी ऐतिहासिक धरोहर अब हिंदुस्तान की कला और संस्कृति का भव्य उदाहरण है, और दूसरी बात ये कि इन ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखकर और खुद से इनकी वास्तविकता को समझकर ही हम हकीकत का पता लगा सकते हैं। तो यूरोप, अमेरिका और दुबई जैसे देशों की सैर करने से पहले आप अपने देश की यात्रा कीजिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली ऐसी कौन सी जगह जिसके बारे में रियल फैक्ट्स पूरी रिसर्च के साथ आप जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके नाम ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे।